Mm-hmm. के साथ कर रही हूँ फ्रेंड्स आज मैं आ गई हूँ फिर से सुबह सुबह आपसे मिलने और अभी जो टाइम हो रहा है फ्रेंड्स वो बज रहे हैं सेवन फिफ्टीन और मैं जो है अभी देख सकते हैं बैठ के आ गई हूँ और मैं जो है सो तो रहा है कभी तक आ रही है जिंदा बच्चा और अपने जो है बना दिया कॉफ़ी मैं ले आई हूँ हम दोनों के लिए कॉफ़ी फ्रेंड्स आज जो है नहा धो के जैसे तैयार होकर मैंने बना लिया है, दिया मैंने टिफ़िन भी रेडी कर दिया स्कूल के लिए बट मयन जो है अभी तक सोया हुआ है मयन कब उठेगा चलो उठो मयन चलो खाएंगे मयू माऊ उठो नहीं है और और आज मैंने सोचा आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया बस मॉर्निंग में थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था आपसे हाय हेलो हो गई थी और उसके बाद जाके मैंने सोचा कि आज मैं आपको Uh, कुछ दिखाती हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं बोर हो गए होंगे uh, मेरा रोज़ का घर का ही ब्लॉग है आजकल कहीं बाहर जाना भी नहीं हो रहा तो मैंने सोचा कि आज चलो बीच में मैं कुछ और ट्राई करती हूँ तो मैं आज आप लोग के, के लिए लेके आई हूँ अपना वेडिंग एल्बम तो फ्रेंड्स वीडियो तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है अपनी मैं शादी के बट मेरे पास जो है मेरी एल्बम पड़ी हुई है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को आज अपनी एल्बम शेयर करती हूँ आप लोगों से कि चलो आप लोग इंजॉय करें और देखें और मुझे बताएं कि कैसी आपको मेरी एल्बम लगी शादी की तो फ्रेंड्स ये रही मेरी शादी की एल्बम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग मुझे पहचान रहे हैं यानी नहीं, मुझे नहीं पता बट मेरे में जो है काफ़ी चेंजेस आ गए हैं शादी के बाद आप देख सकते हैं मैं शायद पहले थोड़ी सी मेरा जो फेस था वो काफ़ी मोटा था बट अब जो है थोड़ा चेंज हो गया फेस काफ़ी आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है तो ये जो फ्रंट पेज होता है शादी का एल्बम का सॉरी वो है आप देख सकते हैं मेरी मैरिज जो थी, थी। मेरी हुई थी वो हुई थी ट्वेंटी अप्रैल टू में मेरी मैरिड शादी हुई थी फ्रेंड्स तो चलते हैं हम अंदर की ओर शादी की एल्बम जब हम लोग देखते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है फ्रेंड्स <laughs> शादी के बाद जब ये देख सकते हैं ये है हमारा फर्स्ट पेज काफ़ी अच्छी उन्होंने एल्बम बनाई थी फोटोग्राफर ने ये देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है और ये हम दोनों ही हैं ये हैं धीरज धीरेजैट्स दीप्ति मतलब कि मैं और मेरे हस्बैंड तो हमारी शादी की डेट जो है आप लोग देख सकते हैं ट्वेंटी अप्रैल टू थाउजेंड फोटीन फ्रेंड्स ठीक है इस साइड भी सेम है इसी तरह आपको देखने को मिलेगा तो आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स और मिलाते हैं आपको अपने फैमिली मेम्बर से क्योंकि अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग आप लोग अभी मिल नहीं पाए हैं फैमिली मेम्बर्स से तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वही पेज है इस तरीके से हम लोगों का फोटो बना हुआ है फर्स्ट पेज पे और ये हूँ मैं कुछ पोज देते हुए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का पोज मैंने दिया हुआ है और यहाँ पे फिर से मेरे हस्बैंड और मैं इस तरह का पोज बना हुआ है मेरा ये ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने निकाला हुआ है तो सामने से काफ़ी अच्छा लग रहा है कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं दिख पाता फ्रेंड्स तो देख सकते हैं इस तरीके की कुछ मेरी पोज बनाई गई थी तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स ये देख सकते हैं नेक्स्ट पोज इसमें मेरे हस्बैंड और मैं मेरे हस्बैंड भी काफ़ी चेंज हो गए हैं फ्रेंड्स शादी के बाद से अब तो काफ़ी मतलब वो दुबले पतले हो गए हैं इसमें तो थोड़ा हेल्दी लग रहे हैं वो देख सकते हैं आप इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह का पोज बनाया हुआ है उन्होंने तो चलिए आगे और मिलाते हैं हम आपको अपने फैमि फैमिली मेम्बर्स से फ्रेंड तो इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है धीरज की मामी है इसमें जो है ये वाली एल्बम जो है फ्रेंड्स ये ये शादी जो है हमारी वो हुई थी बेरीनाग में और रिसेप्शन जो हमारा हुआ था वो फ्रेंड्स हुआ था चंडीगढ़ में तो धीरज लोग जो है फ्रेंड शादी के लिए बेरीनाग ही आए हुए थे ये जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो कभी मेरा जाना हुआ तो शायद मैं आपको ज़रूर वहाँ दिखाऊंगी बेरीनाग ले चलूँगी आपको भी तो मैं आपको मिलाती हूँ धीरज की फैमिली से इसमें पहले आपको धीरज की फैमिली मेम्बर्स देखने को मिलेंगे ये धीरज की सबसे बड़ी मामी है फ्रेंड्स कुछ कुछ लोगों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ बट कुछ लोगों को मैं जानती हूँ कुछ लोगों को नहीं जानती हूँ तो जिन लोगों से जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ जिनको नहीं जानती तो उनको आप देखते रहिए शादी के एल्बम देखने में तो वैसे भी मज़ा आता है फ्रेंड्स है ना तो ये जो ताई हैं फ्रेंड्स ये भी चंडीगढ़ रहती हैं तो इनको मैं जानती हूँ हम लोग इनके वहाँ आते जाते रहते हैं जब भी चंडीगढ़ जाते हैं हमारा जाना होता है तो ये वो ताई है मतलब धीरज की जो मम्मा है उनके बड़े सिस्टर हैं तो उनको हम ताई ताई बोलते हैं ताई जी बोलते हैं तो ये वो हैं फ्रेंड्स वैसे ही रिस्ते मौसी लगे बट मम्मा से धीरज की से बड़े हैं तो इसलिए हम इनको ताई बोलते हैं तो ये ये भी चंडीगढ़ रहते हैं और ये जो फ्रेंड्स हैं ये धीरज की आ, सिस्टर हैं ये मामा जी की बेटी हैं सबसे बड़ी वाली तो ये ये भी हमें मिलती रहती है तो इसलिए मैं इनको जानती हूँ तो मैं आपको इनसे ही मिला दिया और ये जो बैठे हुए हैं धीरज ये धीरज के मामा है फ्रेंड्स ये ये जो धीरज के मम्मा हैं तो आगे चलते हैं इनको मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ ये तो धीरज के मम्मा हैं आप जान ही चुके हैं ये दीदी हैं तो आगे बढ़ते हैं ये लोग जो है कर रहे हैं कुछ इस टाइप से कुमाऊनी में आप लोगों को मैं कभी शादी होएगी तो उसमें ले जाऊँगी दिखाने के लिए फ्रेंड्स की कुमाऊनी कंचर वैसे आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी आपको ले चलूँ ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो मम्मी है मम्मी हैं धीरज के और ये दीदी हैं तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें तो इनसे हम आगे मिलाते हैं यहाँ पे ये छोटी फोटो लगी हुई है तो चलते हैं आगे और ये हैं धीरज इसमें इस पिक्चर में मुझे लगता है धीरज का चल रहा है गणेश पूजा वगैरह हो रही है इसमें और धीरज के साथ जो ये बैठे हुए फ्रेंड्स ये धीरज के पापा हैं और ये तो इनको तो जानते ही हैं ये तो पंडित जी हैं पंडित जी और ये धीरज के मम्मा ये पापा और ये धीरज हैं और ये जो है पंडित जी हैं फ्रेंड्स तो इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले जो है गणेश पूजा वगैरह होती है और हल्दी वगैरह होती है तो इसमें देख सकते हैं धीरज को हल्दी लग रही है और इस तरीके से जो है गणेश पूजा के बाद जो है हल्दी होती है फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस तरीके से सब लोग धीरज को ए वन बाय वन क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स हल्दी लगा रहे हैं तो ये देख सकते हैं ये वही ताई हैं धीरज की चंडीगढ़ वाली और ये ये मामी हैं फ्रेंड्स धीरज की धीरज के दो तो, तीन मामा हैं तो उनमें से जो बीच वाले मामा हैं उनकी ये वाइफ है फ्रेंड्स तो ये मामी हैं और ये जो हैं ये हमारी भाभी हैं ये भी चंडीगढ़ रहती हैं और ये फ्रेंड्स ये जो है क्या है दीदी हैं धीरज है की तो ये देख सकते हैं आप और ये हैं मम्मी और धीरज धीरज के मम्मी और धीरज इसमें देख सकते हैं हल्दी लगा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है बच्चे भी हैं छोटे छोटे बड़े सब लोग खड़े हैं और ये धीरज के फ्रेंड्स मामा जी हैं सबसे बड़े वाले तो ये ये ये, ये जो है तीनों क्या है ये मम्मी धीरज के ये ताई जी और ये मामा ये तीनों क्या हैं ब्रदर सिस्टर हैं और ये मामी हैं ठीक है, है फ्रेंड्स तो चलो आगे ले चलती हूँ मैं आपको अब धीरज जो है रेडी हो चुके हैं शादी के लिए फ्रेंड्स ये जो है शादी वाला लुक है धीरज का धीरज ने जो पहनी हुई है वो शेरवानी पहनी हुई है और शेरवानी के साथ देख सकते हैं आप ये जो बनाया हुआ फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ हमारे बनाते हैं ये धीरज की सिस्टर हैं यही इनके बना रही है तो देख सकते हैं आप ये ये मामा जी हैं तो इस तरीके से अब धीरज जो है क्या हो चुके हैं रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये मम्मी पापा के साथ इनकी फ़ोटो खिंचाई हुई है इन्होंने इस तरीके से अब धीरज ने जो है अपना सहरा भी बांध लिया है इसमें देख सकते हैं इस फोटो में मामा जी और मम्मी के साथ अपने पोज दे रहे हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम वेडिंग के लिए जो है धीरज पूरी तरह तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स ये वही मैंने बताया कि धीरज के सिस्टर हैं मतलब मामा जी की जो बेटी हैं वो हैं और उनके हस्बैंड इनके हस्बैंड हैं और इनके दो बच्चे ये इनके साथ खड़े हैं और पूरी पोज बनाई हुई है धीरज ने अपनी धीरज ने जो है पूरे रेडी हो चुके हैं इसमें देख सकते फ्रेंड्स अब तो पैसों की माला भी डाल दी हुई है ये देख सकते हैं इसमें मामा मामी के साथ खड़े हुए हैं और ये देख सकते हैं पता नहीं कितने पैसों की माला डाली हुई है ये फ्रेंड्स चंडीगढ़ वाली भाभी और भैया हैं ये दोनों इनके बच्चे हैं साथ में और ये इनके बहू हैं फ्रेंड्स ठीक है तो ये ताऊजी और ताईजी हैं चंडीगढ़ वाले समझ गए होंगे फ्रेंड्स धीरे धीरे क्योंकि फ़ोटो में इतना समझ नहीं आता है तो जब हम कभी इनके घर जाएंगे तो जब इनसे मिलेंगे तब मैं ज़रूर आपसे इनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी फ्रेंड्स तो ये देख सकते हैं इस पर जो है सब घरवाली हैं तो शादी में ज़्यादातर जो है घरवाली देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस तरीके से और ये जो है जनाब ये हैं फ्रेंड्स धीरज के ब्रदर छोटे ब्रदर और ये जो है धीरज के साथ पोज दे रहे हैं कोट पैंट में <laughs> और ये सब धीरज के और भी ब्रदर्स हैं मामा ताऊ चाचा सब के देख सकते हैं हम लोग और ये रही धीरज की पूरी फैमिली ये रहे धीरज की मम्मी और ये छोटा ब्रदर और ये पापा फ्रेंड्स तो देख सकते हैं आप धीरे तैयार हो गए हैं बिल्कुल रेडी तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं शादी की फ़ोटो सबने जो है अपनी अपनी तरह से पोज दी हुई है फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग अब ये हो चुके हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें जो है सब लोगों ने पिछोड़ा पहना हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि अब बारात जाने के लिए रेडी हो गई है आप देख सकते हैं तो हमारी जो कुमाऊनी लोगों का ये मतलब इन्होंने जो कुमाऊँ में जो भी कुमाऊनी होते हैं फ्रेंड्स उनको ये जो इन्होंने डाला हुआ है ऑरेंज कलर का इसको हम पिछोड़ा बोलते हैं तो ये डालना जरूरी होता है तो ये देख सकते हैं ये डालना अच्छा माना जाता है इस तरीके से जो है चावल को सिर में घुमा के जब बारात जाती है तो इस तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स तो चलो ले चलते हैं आगे और ये देख सकते हैं ये धीरज के छोटे ब्रदर और यहाँ देख सकते हैं ये हो रहे हैं डांस यहाँ पे डांस किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा अब पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स दुल्हन के घर पे तो अब ये जो है हमारी पार्टी हमारी शादी मैरिज जो हुई थी वो किसी होटल में हुई थी फ्रेंड्स तो ये हम पहुँच चुके हैं बारात लेके धीरज लोग और ये खड़ी है मेरी ये दोनों भाभियाँ हैं ये बुआ है, ये ताई जी हैं और ये इनकी बेटी है फ्रेंड्स तो ये लोग सब खड़े हुए हैं गेट पे वेलकम करने के लिए बारातियों का तो आप देख सकते हैं धीरज आ चुके हैं रिबन कटाई होने वाली है ये देख सकते हैं बुआ पता नहीं क्यों घूर रही है धीरज को इस तरह <laughs> तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स तो मैं अब आपको अपने मम्मी पापा से मिलाऊंगी ये जो है फ्रेंड्स मेरी ताई जी ताई जी बुआ जी वो ये लोग सब खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ वालों ने भी पिछौड़ा पहना हुआ है दोनों साइड वालों ने तो ये पहनना अच्छा माना जाता है शगुन का होता है ये देख सकते हैं ये फ्रेंड्स मेरे पापा हैं जो धीरज के लिए लेके आए हुए हैं अटैची और तो चलो आगे चलते हैं और इस पे पापा लगा रहे हैं धीरज को टीका और ये मेरी सिस्टर है ताई जी की लड़की जो क्या कर रही हैं जो आरती कर रही हैं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आरती करी जाती है दूल्हे की तो वो करी जा रही है फ्रेंड्स अब आ गया है जयमाला की बारी फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग दुल्हन आ गई है तैयार होके जयमाला लेके तो ये देख सकते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो रही दुल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ लिया है और स्टेज में जाने के लिए रेडी हैं जयमाला के लिए इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जयमाला नहीं हुई है जयमाला मतलब अभी जो है पोज दे रहे हैं फोटोग्राफर ने अभी और यहाँ पे जो है जयमाला हो चुकी है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हुई हैं अपनी तारीफ अपने मुंह से ही हो रही है तो देख सकते हैं अब सबने जो है जयमाला के बाद पोज दी होंगी ये हैं दुल्हा दुल्हन देख सकते हैं आप लोग तो अब सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं वन बाय वन जयमाला के बाद जो होता है कि फ़ोटो खिंचाई जाती हैं ये देख सकते हैं सारे बच्चे मिलकर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हैं मम्मी पापा धीरज के और ब्रदर और मैं और धीरज तो ये पूरा फैमिली पिक है हमारा ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं इस तरीके से तो काफ़ी अच्छी ये चंडीगढ़ वाली ताई है हमारी देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी फोटो निकाली हुई है ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोस्ट दिए हुए हैं तो सारे लोग तो आ रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए इसमें सब लोग ये मेरा बड़ा ब्रदर है फ्रेंड्स और ये छोटा ब्रदर है ये मेरी नानी है फ्रेंड्स और ये मेरी दादी है तो आप देख सकते हैं जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पर मेरी नानी और मेरी दादी भी थे बट अब मेरी नानी तो हैं बट दादी अब नहीं है फ्रेंड्स तो ये देख अब हो रहा है खाना खिलाई फ्रेंड्स खाना खिला रहे हैं और मेरे मुंह में बड़ा सा पनीर डाल दिया है धीरज ने <laughs> देख सकते हैं आप इसके बाद हम चलते हैं शादी की तैयारियां अब स्टार्ट हो गई हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं शादी अब मंगल जयमाला के बाद का जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट हो गया है ये देख सकते हैं और ये जो है इसमें कुछ रस्म हो रही हैं बहुत सारी रस्म होती हैं आप लोग जानते हैं तो वही चल रही हैं फ्रेंड्स अब मैंने भी जो है पिछौड़ा डाल लिया है और आरती वगैरह हम लोग कर रहे हैं और ये मेरे मम्मी पापा हैं फ्रेंड्स मम्मी और पापा तो यहाँ पे हम हैं आप देख सकते हैं और ये जो है अब जो है फेरे स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे मैं छोरी हूँ धीरज के पैर इस तरीके से ये देख सकते हैं बहुत सारी रस्में होती हैं फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं तो वही सारी रस्में पूरी हो रही हैं बहुत सारी रस्में होती हैं बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं तो अब आ गया है विदाई टाइम ये देख सकते हैं तो अब हो रही है विदाई फ्रेंड्स ये देख सकते हैं तो अब यहाँ से फ्रेंड्स इसके बाद जो है आपको दिखने को मिलेगा रिसेप्शन तो ये मेरे को लग एल्बम हो गई है पूरी फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने पूरी एल्बम दिखा दी है आई होप आपको पसंद आई होगी तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको पसंद आई या नहीं आई या कैसी फ़ोटो लगी आपको तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे फिर आई होप आपको मेरा एल्बम पसंद आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको कल फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच बाय बाय।